अलैकुम, कुकिंग विद सैगा में आपका स्वागत है। तो आज मैंने मेरे किचन में बनाया है मेथी और मूंग दाल की ये झटपट तरीके से बनने वाली सब्ज़ी, जिसे आप टिफ़िन के लिए भी बहुत ही आसान तरीके से तैयार कर सकते हो। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेथी और मूंग दाल की ये झटपट तरीके से बनने वाली सब्ज़ी। तो चलिए देखते हैं मैंने किस तरीके से ये सब्ज़ी को बनाकर तैयार किया है। तो इस कढ़ाई में मैं मूंग दाल और मेथी की सब्ज़ी को बनाकर तैयार करूंगी। तो चलिए गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाह। अब इस कढ़ाई को गर्म होने के बाद इसमें मैं तेल ऐड करूंगी। तो यहाँ पर कढ़ाई अच्छे से गर्म हो चुकी है। अब इसमें मैं ऐड करूंगी तेल, 2 चम्मच भरकर मैं इसमें तेल ऐड करूंगी। अब तेल को ऐड करने के बाद, तेल अच्छा सा गर्म होने के बाद मैं इसमें डालूंगी। तो यहाँ पे ले लिया है मैंने 1/2 चम्मच जीरा, हरी मिर्च और लहसुन को मैंने बारीक बारीक सा चॉप कर लिया है। अब मैं इसे तेल में ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में 1/2 चम्मच जीरा, 3 से 4 लहसुन की कलियों को बारीक सा चॉप कर लिया था और 4 से 5 हरी मिर्च। तो हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हो सब्जी बनाने के लिए। अब मैं इस तेल में साथ ही साथ ऐड कर दूंगी 1 मीडियम साइज के प्याज को मैंने बारीक बारीक सा कट कर लिया था, उसे भी मैं इस तेल में ऐड कर इन्हें मैं करीबन 2 से 3 मिनट तक का अच्छा सा भून लूंगी इस तेल में। तो यहाँ पे मैंने प्याज और लहसुन को भूनकर थोड़ा सा गोल्डन फ्राई कर लिया है, अब मैं इसमें डाल दूंगी। तो यहाँ पर मैं मेथी की सब्जी बनाने के लिए थोड़ा सा मूंग दाल का इस्तेमाल करूंगी ये सब्जी को तैयार करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने वॉश की हुई थोड़ी सी मूंग दाल इसमें ऐड कर दिया है। तो मेथी की सब्जी बनाने के लिए मैं थोड़ा सा मूंग दाल का इस्तेमाल करूंगी। अब साथ ही साथ मैं इसमें डाल दूंगी 1/3 के करीब हल्दी पाउडर और नमक, सब्जी के हिसाब से हम इसमें ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग में इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। तो नमक, हल्दी और मूंग दाल ऐड करने के बाद इन्हें मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूंगी। तो यहाँ पर मूंग दाल को डालने के बाद इन्हें मैंने 1 से 2 मिनट तक का अच्छे से पका लिया है। तो चलिए अब हम इस कढ़ाई में ऐड कर देंगे मेथी की सब्जी। यहाँ पर मैंने मेथी की सब्जियों को क्लीन कर अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मैं इसे डाल दूंगी कढ़ाई में। अब मैं इसमें डाल दूंगी मेथी की सब्जी, इन्हें मैंने अच्छे से क्लीन कर वॉश कर लिया था। मेथी की सब्जियों को कढ़ाई में ऐड करने के बाद अब मैं इसमें डाल दूंगी 2 मीडियम साइज के आलू को मैंने कट कर लिया, इन्हें मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। यहाँ पे मैंने मेथी की सब्जियों के साथ साथ 2 मीडियम साइज के आलू को भी ऐड करके इसमें डाल दिया है। अब मैं इन्हें अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने सब्जियों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब मैं इन्हें ढककर गैस की फ्लेम को मीडियम रखकर 4 से 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी। 4 से 5 मिनट में हमारी मेथी और मूंग दाल की सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। आप भी ज़रूर मेथी और मूंग दाल की रेसिपी को ट्राई कीजिए, आपको बेहद पसंद आएगी और ये सब्जी बहुत ही झटपट तरीके से बन जाती है। इसे आप टिफ़िन के लिए भी फटाफट तैयार कर सकते हो। तो चलिए 4 से 5 मिनट के लिए हम इन्हें पकने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर 4 से 5 मिनट के लिए मैंने सब्जियों को पकने के लिए छोड़ दिया था और मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। आइए सब्जियों को। तो यहाँ पर मेथी और मूंग दाल की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं मेरे अगले नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।